लुक एट द व्यू गाइस, चुम्मा व्यू है यार, चुम्मा। ऑलराइट, वी आर अप्रोचिंग कोलाघाट ना। ये ब्रिज आने से मैं समझ जाता हूँ कि कोलाघाट पास में ही है। अभी पहले जो लाइन्स थी वो लाइन अभी फेड हो चुकी है यहाँ पे, एंड इस तरफ ये नदी जा रही है। एंड शुभांकर, ओ हो भाई, तो हम लोग अभी कोलाघाट में हॉल्ट नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सामने से कहीं पे जाके वी विल डू आवर ब्रेकफास्ट। पूरा खाली रोड दोनों तरफ, एकदम खेत खलियार। वाव, और अपन अभी क्रूज करते करते जा रहे हैं एक फॉर्मेशन मेंटेन करके, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। शुभांकर मेरे पीछे है, मैं उसके आगे हूँ। वो मुझे हमेशा आरवीएम में दिखते रहना चाहिए, ये रूल है, आरवीएम रूल, क्योंकि हम लोग के पास सेना नहीं है। तो ये देख पा रहे हो, आरवीएम में दिख रहा है शुभांकर, तो ऐसे ही करके किसी को खोना नहीं है। तो चलो अब इसको जाने दे रहा हूँ आगे मैं, और इसको अब मैं थोड़ा करूँगा पुश क्योंकि रास्ता खाली है बॉस। तो हम लोग पेट्रोल पंप पे यहाँ पे ब्रेक लिए थे, अभी थोड़ा टायर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हवा कम है थोड़ा, इनको आता नहीं है लगता करना। चलो मैं ही कर देता हूँ। अरे इधर कर सकता हूँ मैं। अरे आमी पाड़ी है। तो यहाँ पे तो हवा नहीं मिला, तो अभी आगे जाएंगे। अरे आमी पाड़ी है। और ये GoPro हैंग होने का आज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस कर लिया। इसका बैटरी निकाल के फिर वापस से डालना पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जितने भी बड़े बड़े मोटर ब्लॉगर्स हैं, सब बोलते थे कि GoPro में ऐसा हैंग होने का दिक्कत है। तो मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे सब लोग, हम लोग एक साथ चल रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ आगे पीछे हो गया, तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन थोड़ा हिल जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा चला लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू आनीकट स्ट्रक्चर अक्रॉस कंसाबती रिवर पश्चिम मेदिनीपुर। ओके, तो ये अपनी जर्नी का एक और टोल गेट आ चुका है, छोटा सा ही है, ये शायद चालू नहीं है अभी तक, अबैंडन्ड। अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा बम्पर है ना, पूरा पेट में बटरफ्लाई आ जाता है ऐसे, जो ऊपर नीचे या फिर नीचे से ऊपर जो भी होता है। और अभी मेरे को ना इतनी जोरों वाली भूख लग रही है, सुबह के 8:43 हो चुके हैं। घर में तो मैं अराउंड 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, तब उतना भूख नहीं लगता, लेकिन अभी राइड कर रहे हैं, राइड के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, ये सब ध्यान में रख के चलना पड़ता है, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के ही ब्रेकफास्ट करेंगे, यही डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी भी टाइम है अपने पास, पानी पी के काम चला रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोगों ने 190 किलोमीटर कवर कर दिया और अभी सिर्फ 8 बजे है, मतलब 9 बजने को, 8:53 हो चुका है,
तो ये मेरा टाइम रिकॉर्ड बन गया है 190 किलोमीटर, मतलब दीघा करते करते मेरे को 5-6 घंटे लग जाते थे जब मैं अकेला करता था या फिर दीदी के साथ करता था, लेकिन दोस्त लोग के साथ जब कर रहा हूँ तो 9 बजे पहुँच चुका हूँ। नॉर्मल टाइम मेरा पहुँचने का वही 11 बजे रहता है, लेकिन 9 बजे समझ पा रहे हो 190 किलोमीटर, दीघा से भी ज़्यादा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा मार दिया है। एंड लुक एट दीज रोड्स मैन, लुक एट दीज रोड्स, सो अमेजिंग। दोनों तरफ पूरा पेड़ है, कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो। लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे तो धीरे धीरे इसको एंजॉय करते करते जाने का ही मन कर रहा है। पीछे बाकी लोग आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। सो गाइस, KTM RC 390, इसको थोड़ा चला के देखते हैं। This bike has got power, man. Superb, man. Superb. मजा आ गया इसको तो चला के। It's a beast. Totally a beast, man. ओहो मजा आ गया बॉस, द पावर ऑफ 390। बस एग्रेसिव है, बहुत झुक के चलाना पड़ता है। सो गाइस, वी आर फाइनली स्टॉपिंग फॉर ब्रेकफास्ट। टाइम हो चुका है 9:51। 218 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया है। लुक एट द व्यू गाइस, चुम्मा व्यू है यार, चुम्मा। दोनों तरफ जंगल है और बीच से ये रास्ता जा रहा है। तो अभी रास्ते में ये मंदिर आया है, यहाँ से इधर सीधा जाना पड़ेगा। कुछ लोग आगे चले गए हैं, हम लोगों ने टर्न ले लिया। चलो, ऑलराइट गाइस, वी हैव अराइव्ड गंगानी कैनियंस। वाव यार, जस्ट लुक एट दिस। ऑलराइट गाइस, वी हैव रीच्ड द गंगानी कैनियंस, ग्रैंड कैनियन ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी यहाँ से जाएंगे नीचे। तो अभी फटाफट से चलते हैं नीचे। हवा भी चल रही थी, टी शर्ट अपने लोगों ने खोल दिया। अभी ऐसे ही ऊपर जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो लंच करने भी ऐसे ही जाएंगे। एंड ये जो जगह है, यहाँ पे समर के टाइम पे मैं प्रेफर नहीं करूँगा आना, इट्स बेटर टू कम ड्यूरिंग विंटर्स। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि समर के टाइम पे नॉट सो मच ग्रेट, बट विंटर में इट्स अमेजिंग। तो चलो अभी चलते ऊपर।
तो ये अपना लंच आ गया है, बिरयानी। यहाँ पे सारे बिरयानी वाली पार्टी बैठेगी, अभी इसको खाएंगे, खा के निकलेंगे। गाइस मेरे को नहीं लगता मैं और घुमा पाऊंगा, तो इस व्लॉग को इतना दूर रखते हैं। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.